warnings. A और an, ये कैसे आर्टिकल्स हैं हमारे? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स. कौन से हैं? इनडेफिनाइट. और द जो है वो हमारा है डेफिनाइट आर्टिकल्स. क्लियर? अब इनडेफिनाइट और डेफिनेट का क्या वो है? देखो, ए और एन मीन्स एनी वन, कि कोई भी हो सकता है. इफ इट इज देयर फॉर कॉल द इनडेफिनाइट आर्टिकल. ये कौन से होते हैं? इनडेफिनाइट. ठीक है, जो no article is used before proper noun as given in the examples below. ये वो आएंगे जो दा वाले हैं. कौन से हैं? दा वाले. हम दा वाले बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ए और एन की बात कर रहे हैं. ए और एन. अब ए एन दा लगेगा कहाँ कहाँ पर, हम ये देखेंगे. अब ए, वी यूज अ बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद द कॉन्सनेंट साउंड. एग्जाम्पल ए, बनाना. We use before a word. हम उस वर्ड की शुरुआत से पहले यूज़ करेंगे जहाँ पे कंसोनेंट साउंड होगी. फॉर एग्जाम्पल बनाना. बनाना क्या के क्या है? बी. और बी क्या है? कंसोनेंट वर्ड. तो इसीलिए यहाँ क्या आएगा? अ. अगर यहाँ पे ए ई आई ओ यू में से कोई वर्ड होता तो यहाँ क्या आता? एन. एन हमेशा एन किसके साथ लगता है? अब देखो, वी यूज एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ वाउल साउंड और अ साइलेंट एच. एग्जाम्पल एन ऑरेंज. वी यूज, हम ये उस शब्द से पहले शुरुआत में यूज करेंगे जहाँ पे क्या होगा? वाउल की साउंड होगी और साइलेंट एच साइलेंट होगा. जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहले एन यूज ओनली ए वाउल. एन सिर्फ वही यूज होगा जहाँ पे ई आई ओ यू का इस्तेमाल होगा. एन ऑरेंज. ऑरेंज के आगे क्या है? ओ. इसलिए इसके साथ क्या लगा? एन. एन आर. अब ये आर जो है इसको बोलने में आर आर आ यानी कि ओ की साउंड आ रही है, नॉट एच. एच क्या है? इसमें साइलेंट है, इसलिए इसके साथ भी क्या? एन लगेगा. ऐसे कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके साथ क्या लगता है? एन लगता है. एक किसके साथ लगेगा? जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड होंगे. और एन कहाँ लगेगा? जहाँ पे वाउल साइंस होंगे. अब नेक्स्ट है दा. दा कहाँ पे लगता है? दा इज यूज बिफोर द नेम ऑफ रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, नेशनल फेमस बिल्डिंग्स, हॉली बुक्स एंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स. दा वहाँ पे यूज, उस चीज़ के पहले यूज किया जाता है जैसे कोई रिवर हो, नदी हो, ओशियन समुद्र हो, माउंटेन्स हो, नेशनल कोई फेमस राष्ट्रीय बिल्डिंग हो, होली बुक्स हो, उन सब के साथ क्या लगता है? या कोई यूनिक ऑब्जेक्ट हो, उन सब से पहले क्या लगता है? दा. जैसे कुछ एग्जांपल्स, दा गंगा. गंगा एक नदी है, तो इसके साथ क्या लगेगा? दा. फिक्स है ना ये? द रेड सी, लाल समुद्र. समुद्र भी बहुत बड़ा है, विशाल है. कोई बड़ी चीज़ होगी या मतलब कोई फिक्स चीज होगी, उसके साथ क्या लगेगा? दा. जैसे एग्जाम्पल्स, हिमालयाज, इंग्लिश, ताजमहल, अर्थ, रामायण, इन सब के साथ किस चीज का यूज होगा? दा का. हमारी बुक्स में, बुक में और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको रीड आउट करके पढ़ सकते हो. क्लियर स्टूडेंट्स? ए एन एंड आर यूज विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से, वो सिंगुलर होंगे. अब दा के भी आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हो. थैंक यू.